तिब्बतों के धर्म गुरु दलाई लामा कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचे बोध गया। खादा लेकर घंटों खड़े रहे देश विदेश से आए श्रद्धालु। तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा आज दिन मंगलवार की दोपहर बोध गया पहुंचे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गया एयरपोर्ट से दलाई लामा का काफिला बोध गया के तिब्बती धर्मशाला पहुंचा। जानकारी के मुताबिक दलाई लामा 6 जनवरी तक बोध गया के तिब्बती धर्मशाला में प्रवास करेंगे। रोड के दोनों तरफ लंबी कतार लगा, हाथ में खादा लिए घंटों खड़े रहे देश विदेश से आए श्रद्धालु। मालूम हो कि 2 से 6 जनवरी तक ऐतिहासिक कालचक्र मैदान में विशेष शैक्षणिक सत्र की अगुवाई भी करेंगे। शैक्षणिक सत्र में भाग लेने के लिए देश विदेश से 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु के बोधगया आने की संभावना है। दलाई लामा के प्रवास के दौरान उनके आवासन स्थल तिब्बती धर्मशाला एवं कालचक्र मैदान की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। देखिए, महापावन दलाई लामा जी प्रत्येक वर्ष बोधगया में उनका प्रवास रहता है और इस वर्ष 24 तारीख से प्रवास का शुरू हो रहा है। यद्यपि जो उनका पब्लिक अपीयरेंस है और पब्लिक प्रोग्राम पहला है वो 2 जनवरी से 6 जनवरी तक कालचक्र मैदान में रहेगा। कल उनके द्वारा महाबोधि मंदिर में दर्शन किया जाएगा सुबह 8 बजे और उसके पश्चात अगले कुछ दिनों तक उनके द्वारा आराम या रेस्ट किया जाएगा। हम लोग की तरफ से सुनिश्चित किया गया है कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से पुख्ता रहे, जो ट्रैफिक की व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से पुख्ता रहे। कालचक्र मैदान में जो पब्लिक प्रोग्राम होता है उसकी विभिन्न व्यवस्थाएं भी ऑलरेडी की जा चुकी हैं और हम लोग आशा करते हैं कि बोधगया में उनका प्रवास सफल होगा और बहुत ज़्यादा लोग उसमें भाग ले सकेंगे कार्यक्रम में। इसके साथ ही फरवरी में उनको राजगीर में भी एक कार्यक्रम है जिसमें जाना है, तो उसके लिए भी संबंधित जिला प्रशासन द्वारा वहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये मुझे लगता है कि ये एक एडेड एडवांटेज है और धर्मशाला के बाद महापावन दलाई लामा जी के द्वारा अगर सबसे ज़्यादा कहीं समय बिताया जाता है तो वो बोधगया में है और ये बिहार के लिए और गया वासियों के लिए भी एक सौभाग्य की बात है। और इसी के साथ ही जो उनके अनुयायी हैं, जो अन्य पर्यटक हैं, वो भी आते रहते हैं इस समय में। यद्यपि उनका जो पब्लिक प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन है धीरे धीरे अब कम होता जा रहा है क्योंकि उनका उम्र हेल्थ ज़्यादा डिटेरिएट कर गया है, लेकिन चूँकि यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पे जो सिस्टम है, उसकी वजह से वो ज़्यादा समय यहाँ बिताना चाहते हैं, जिसके लिए हम सभी आभारी हैं।